आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपके पास गैस सिलेंडर है, किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर है, तो आप किस तरह जान पाएंगे वो सिलेंडर का आपको सब्सिडी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर लिए हैं तो उसमें जो गवर्नमेंट जो दे रही है लॉकडाउन में फ्री सिलेंडर, जो उसका रुपया आपके अकाउंट में आया कि नहीं आया वो जाँच कर सकते हैं आप ऑनलाइन, वो चेक कर सकते हो ऑनलाइन। अगर आया है तो कब आया है, कितना आया वो जान सकते हैं, और आपके गैस कनेक्शन में आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है वो भी आप जान सकते हैं, और आपका सब्सिडी किस बैंक में जाया वो भी आप जान सकते हैं, और कितना सब्सिडी किस मंथ आया वो भी आप जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ गूगल पे आने के बाद यहाँ नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप लिखेंगे MyLPG, ठीक है, MyLPG लिख के आपको सर्च करेंगे तो पहला जो ऑप्शन मिले MyLPG.in, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो MyLPG.in की वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पे गैस सिलेंडर, तीन गैस सिलेंडर दिए गए हैं। जिस गैस सिलेंडर का, जो भी गैस सिलेंडर आपके पास है, भारत गैस या HP जो भी है, तो आप यहाँ पे उस पर क्लिक करें। जैसे मेरे पास भारत है तो मैं भारत गैस पे क्लिक करूँगा, गैस पे ही क्लिक करें, सिलेंडर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। चेक इफ यू नीड KYC कर सकते हैं, यहाँ पे जान सकते हैं आपके नज़दीक वो कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, और यहाँ से आप 5 kg गैस खरीद सकते हैं, और यहाँ से ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ से न्यू गैस सिलेंडर लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर इसके बारे में भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, और हम आपको हर एक ऑप्शन के बारे में आपको बताएंगे, उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिए जाते हैं ऑर्डर करने के लिए गैस सिलेंडर, न्यू कनेक्शन। तो आज का जो मेरा वीडियो टॉपिक है उसके लिए आपको गिव योर फीडबैक ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। गिव योर फीडबैक ऑनलाइन पे जैसे क्लिक करेंगे न्यू टैब ओपन हो जाएगी। न्यू टैब ओपन होने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ पूछ रहा है, आर यू भारत गैस कंज्यूमर, क्या आप भारत गैस के कंज्यूमर है, कस्टमर है, तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे रजिस्टर मोबाइल नंबर से या अपने LPG ID से खोज सकते हैं, या अपना कंज्यूमर ID से अपना डिटेल निकाल सकते हैं। अगर कंज्यूमर ID है तो कंज्यूमर ID से अपना डिटेल निकाल लीजिए, नहीं तो LPG ID से डिटेल निकाल लीजिए। अगर वो भी नहीं तो रजिस्टर मोबाइल नंबर दे के आप डिटेल निकाल सकते हैं। तो LPG ID अगर आपके पास नहीं है तो अब इसी पे आएंगे। इस पे आने के बाद यहाँ पे देखिए फाइंड योर 17-digit LPG ID, इस पे क्लिक करेंगे तो LPG ID फाइंड करने का यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और कंज्यूमर ID से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नॉर्मल सर्च दिया गया। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ अगर आपका गैस सिलेंडर किस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर नंबर जो देना होगा, जो कि आप गैस सिलेंडर का पासबुक होगा, वह नंबर देंगे। उसके बाद ये कैप्चर यहाँ पे फिलअप करेंगे, कैप्चर फिलअप करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका LPG ID जो है वो यहाँ पे शो कर जाता है, तो वो LPG ID से भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप कंज्यूमर ID जो कि आपको पासबुक पे होगा वो इंटर करके यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आपका गैस है। उसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर ID देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाए फीडबैक टाइप, इस पर क्लिक करके यहाँ पे कंप्लेन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे ओके करेंगे, ओके करेंगे तो इस तरह का डिटेल आ जाएगा, आपका कंज्यूमर नंबर और स्टेटस और डिस्ट्रीब्यूटर का नाम वगैरह, और यहाँ पे आपको 3 लाख सब्सिडी दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अंतिम सब्सिडी जो हुआ है उसका ऑर्डर, किस डेट को ऑर्डर हुआ है, कितना सिलेंडर कब डिलीवरी हुआ, गैस मेमो नंबर, कितना में सिलेंडर किना गया था, और कितना उसको सब्सिडी मिला वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और कब उनके अकाउंट में सब्सिडी भेजा गया वो भी दिखाएगा, और अकाउंट नंबर का लास्ट का 4 अक्षर भी यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देगा, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका डिटेल दिखाएगा, आपका नाम, एज वगैरह, आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ से आप सब्सिडी, अगर आपको फ्री वाला सिलेंडर मिला, फ्री वाला उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो सिलेंडर था, तो उसमें आपको गैस का जो रुपया होता है चार्ज जो गवर्नमेंट दे रही है, अगर वो आपको मिला है तो वो भी आपको यहीं पे शो करेगा। जैसे 3 महीने तक गैस सिलेंडर फ्री देने का
है नियम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, उसी के तहत अगर आपके अकाउंट में 800 रुपये या कुछ रुपए आए हैं तो वो भी यहीं पे आपको शो करेगा। तो ये इसमें नहीं आए इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ सब्सिडी शो कर रहा है। अब ये जांचेंगे कि हमारे इस कनेक्शन में आधार कार्ड लिंक है कि नहीं, उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए क्लिक है टू व्यू ATCT BTCT मैपिंग स्टेटस पे क्लिक करना होगा। इसे भी इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक कैप्चर कोड दिखेगा, इस कैप्चर कोड को यहाँ पे फिलअप करेंगे। कैप्चर कोड जैसे फिलअप करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे LPG ID, कंज्यूमर ID, आपका नाम, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, और यहाँ पे देखिए आधार नंबर इज अवेलेबल, यानी कि आधार नंबर आपका लिंक हो चुका है LPG के साथ, किस डेट को लिंक हुआ वो आपको यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे जहाँ से पेमेंट आता है NPCI से उससे भी आपका लिंक है, वो कब लिंक हुआ वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे NPCI स्टेटस देखने के लिए क्लिक हेयर फॉर डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका स्टेटस देख सकते हैं, आप एक्टिवेट देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपने सीखा गैस सिलेंडर का सब्सिडी आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो आप किस तरह जांच सकते हैं, और आपको BPL का जो फ्री वाला कनेक्शन है उसमें जो गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है 800 रुपये जो कि लॉकडाउन सहायता, तो वो आपके अकाउंट में आया कि नहीं है वो आप जान सकते हैं इस वीडियो की मदद से, और आपका गैस सिलेंडर में आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं वो आप जान सकते हैं इस वीडियो की मदद से। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको और इसके रिलेटेड और किसी तरह का जानकारी चाहिए या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।